Bismillahirrahmanirrahim. Dear graduation students, assalamu alaikum. Welcome to Introductory Chemistry. The topic aaj hum revise karenge wo hai the resonance theory. Ye topic a textbook of organic chemistry by Dr. Muhammad Yunus ke chapter 2 basic concepts in organic chemistry ke page 30 to 39 par available hai. Outline of the topic: introduction, definition, rules governing resonance, the resonance or mesomeric effect, types of resonance effect, applications, practice questions. Students, ये एक complete topic है और अगर exam में as a long question सवाल आ जाए तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैंने इसके points बनाए हैं. Introduction. Resonance को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका localized chemical bond और delocalized chemical bond को study करें. Localized chemical bond. The electrons involved in the formation of a bond are shared by only two nuclei in a molecule. The bond is said to be localized chemical bond. Agar kisi bhi molecule mein electrons jo bond bana rahe hain wo do atoms ke darmiyan share ho to is tarah se banne wala bond localized chemical bond kehlayega. Localized chemical bond ki example. यहाँ एक मॉलिक्यूल लिया गया है जिसमें कार्बन पर प्लस चार है. इसका मतलब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है. ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इन लोन पेयर में से ऑक्सीजन एक लोन पेयर का इस्तेमाल करते हुए एक इलेक्ट्रॉन खुद रखेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा. यूँ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा. अब ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया तो इसकी वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी होगी. लेकिन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज बन जाएगा. डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड. द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड आर शेयर्ड बाय मोर देन टू न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल. सच बॉन्ड इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे हैं वो दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान शेयर हो जाएं, तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कहते हैं. डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड की एग्जांपल. यहाँ एक मॉलिक्यूल लिया गया है जिसमें सेंटर में नाइट्रोजन है जो कि चार बॉन्ड बना रहा है. नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाएगा इस पर प्लस चार आ जाएगा. तो नाइट्रोजन पर प्लस वन चार्ज का मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है. यूँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस वन चार्ज का मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खुद रखेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा. तो यूँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा. अब नाइट्रोजन की कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम चार बॉन्ड तक बना सकता है. इस तरह से नाइट्रोजन अपने ही साथ मौजूद लेफ्ट साइड पर दूसरा नाइट्रोजन जो है उसके साथ बनने वाला बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ देगा और उसमें मौजूद दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर देगा. इस तरह से जो लेफ़्ट साइड पर मौजूद नाइट्रोजन है उसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन आया और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन आया जो सेंट्रल नाइट्रोजन का था. अब लोकलाइज केमिकल बॉन्ड और डी लोकलाइज केमिकल बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये बात हम क्लिप आर्ट की मदद से आसानी से समझ लेते हैं. मिसाल के तौर पर अगर कभी हमें वेकेशंस हों और हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से हटकर कुछ सोचें तो हम ट्रैवल करना चाहते हैं और अपनी जो मुकामी जगह है उसको छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं ताकि हम दूसरी जगह जाकर किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस का विज़िट कर सकें या किसी सेहत अफजा मुकाम का विज़िट कर सकें ताकि हम अपनी वर्किंग को दोबारा से बेहतर बना सकें. तो इस सिलसिले में हमारा जो सारा का सारा मकसद है वो ये है कि हम अपने आप में स्टेबिलिटी पैदा करें. तो हम एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र कर लेते हैं जिसकी वजह से हम पहले से ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं. अब जिस जगह से हम दूसरी जगह गए हैं हमारे लिए वो जगह डीलोकलाइज्ड प्लेस होगी, यानी हम उस जगह के मुकामी नहीं हैं. इसी तरह से अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स
एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक एटम से दूसरे एटम और फिर दूसरे एटम से तीसरे एटम तक डीलोकलाइज होंगे, तो वो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को मजीद बढ़ा देंगे। डेफिनेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल स्ट्रक्चर एज अ वेटेड एवरेज ऑफ टू और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। एक हकीकी स्ट्रक्चर को दो या दो से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से जाहिर करना रेजोनेंस कहलाता है। द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दस ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इस दौरान हमें जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नाम दे देंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक और बात क्लियर कर दूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को तीन नाम देती है, इसके अलावा जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसको भी तीन नाम देती है। तो हमें इन नामों को याद करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। यानी यहाँ पर पांच रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, जिसमें से दो कैक्यूज के स्ट्रक्चर्स हैं और तीन दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये पांच रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, लिवर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, और कहीं कहीं इन्हें हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके साथ जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड को रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर या तीसरा नाम, जैसा कि मैंने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसे रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहा जाता है। अब हम इन्हें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है वो यहाँ लिखा गया है। कैक्यूल्स के दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका 39% कंट्रीब्यूशन है कि वो इस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाते हैं। इसी तरह से दीवार के हर एक स्ट्रक्चर का 7.3% कंट्रीब्यूशन है कि ये तीनों मिलकर जो हैं वो 7.3%, 7.3% और 7.3% कंट्रीब्यूशन देकर इस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो पांच रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी एनर्जी हाई है रेजोनेंस हाइब्रिड से, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी लो है जबकि इन पांचों की एनर्जी ज़्यादा है। इसके साथ जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड पोजेस लोअर एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी लो है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हमने इस कंसेप्ट को याद रखना हो तो हम इसके लिए एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक ओल्ड मैन है और एक चाइल्ड है। जो ओल्ड मैन है उसमें इतनी एनर्जी नहीं है ड्यू टू ओल्डनेस, तो आप जिस जगह उस ओल्ड मैन को बिठा देंगे वो सुबह से लेकर शाम तक वहीं मौजूद रहेंगे। इसके बरक्स अगर कोई चाइल्ड है, वो चाइल्ड डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, सारा दिन में कुछ शरारतें करता है, बाजार से सामान लेकर आता है और इसके अलावा डिफरेंट गेम्स खेलता है, तो इस सारे अमल के दौरान हमने ये देखा क्योंकि चाइल्ड की एनर्जी ज़्यादा है, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम है। इस वजह से वो चाइल्ड किसी एक जगह रुक कर नहीं बैठता, उसकी अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो उसके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। वो डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करता है, डिफरेंट गेम्स खेलता है और डिफरेंट काम करता है।